लोग ये बोलते हैं कि सूर्या तो कभी किसी फिल्म को बुरी रेटिंग नहीं देता है या नेगेटिव रेटिंग नहीं देता है, लेकिन मैं वो तब देता हूँ जब वो फिल्म उस काबिल नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, ऐसी एक फिल्म देखी है जिसका नाम है कूली नंबर वन। 1995 में आई गोविंदा, करिश्मा कपूर, कादर खान, सदाशिवम पुरकर स्टार फिल्म ने धमाल किया था। डेविड धवन ने ही उस फिल्म को डायरेक्ट किया था। इसका रीमेक डेविड धवन अपने बेटे के साथ ही उन्होंने रिलीज किया है 25 दिसंबर, यानी कि आज के दिन अमेजोन प्राइम पर। और ये फिल्म मैंने देख ली है, रात के 2 बज रहे हैं और ये फिल्म 2 बज के जस्ट हुए आगे, और ये फिल्म जस्ट मैंने कंप्लीट की है। और यहाँ पर एक चीज आपको बता दूँ, ये फिल्म किसी भी मायने में पहली फिल्म के आसपास नहीं है। पहली फिल्म के हिसाब से उसके कंपैरिजन में ये उसका 5% भी नहीं है। यानी कि फिल्म में ज्यादातर रिपीटेड डायलॉग से सिचुएशन को थोड़ा टर्न किया है, बाकी सब करेक्टर्स वैसे, जैसे कि शक्ति कपूर का रोल राजपाल यादव निभा रहे हैं, कादर खान का रोल परेश रावल निभा रहे हैं, और ऐसे ही सब रोल कोई और ही निभा रहा है। मतलब कहीं से मुझे हंसने की मैंने कोशिश की लेकिन मुझे हंसता नहीं आया। ऐसा लगा कि कोई पेन किलर खा लो ये पिक्चर देखने के बाद और सो जाओ, मुझे रात को नींद नहीं आने वाली। नॉर्मली दो सिनेरियो में ऐसा होता है जब आपको रात को नींद नहीं आती हो, या तो कोई चीजें आपको बहुत अच्छी लगी हो आप शॉक हो गए हो, या कोई चीजें इतनी डिप्रेसिंग हो जिसको देखकर आप पागल हो गए हो, और ये फिल्म बिल्कुल ऐसा ही है। एक गाना से मुझे थोड़ा ठीक लगा, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, अदरवाइज पूरी फिल्म पैथेटिक है। वरुण धवन का ओवरऑल जो परफॉर्मेंस है वो गोविंदा की याद दिला रहा था, पर मुझे ऐसा लग रहा है इस फिल्म को गोविंदा की ही बददुआ लग गई, क्योंकि किसी भी हाल में फिल्म कहीं से भी कुछ नहीं है। क्या होता है ना, एक फीलिंग, एक फिल्म में इमोशंस होता है, इमोशंस के बगैर वो फिल्म कनेक्ट नहीं कर पाती, चाहे किसी भी तरह का इमोशंस हो। इधर कुछ नहीं है, क्रैप है, कुछ डबल मीनिंग डायलॉग्स है जिसकी कोई जरूरत नहीं थी। यानी कि इस फिल्म को लिखा है फरहाद सामजी ने और फरहाद सामजी ने इस फिल्म को डुबा दिया है। मुझे सबसे ज्यादा दिक्कत उस तरन चाचा से है, क्योंकि तरन चाचा ने इस फिल्म को 3.5 स्टार दिया है और मैं इसे पूरा रेटिंग में 1 स्टार दूंगा, यानी कि 20 से 30% का सिर्फ रेटिंग दूंगा मेरे एक रेटिंग पैटर्न में। यानी कि मेरे रेटिंग के हिसाब से फिल्म पूरी तरह फेल है। मेरी बात मानो, इस फिल्म की जगह ओरिजिनल फिल्म आप 5 बार देख लो बोर नहीं होगे, लेकिन ये फिल्म आप 1 घंटा दिखा दो देख के मान लूंगा मैं आपको। इतनी वाहियात, इतनी बोरिंग, इतनी अजीबो गरीब है। गोविंदा का क्या टाइमिंग होता था, चाहे डांसिंग में हो, चाहे डायलॉग डिलीवरी हो, चाहे ओवरऑल एक्शन हो, वो बॉडी में उसका रिदम होता था, इधर कुछ नहीं नजर आ रहा है। टैलेंट हैज बीन वेस्टेड लाइक नेवर बिफोर, चाहे वो राजपाल यादव हो, परेश रावल हो, वरुण धवन इंक्लूडिंग, इट डजेंट डिजर्व सच काइंड ऑफ फिल्म ब्रो। नीदर सारा अली खान, गाइस वेक अप, मतलब दिस इज हाउ यू कैन स्पॉइल ए लेजिक मूवी, ए कल्ट मूवी। व्हाट इज हैपनिंग टू बॉलीवुड यार, वेक अप। कोरोना वायरस वैसे ही हमें इतना परेशान करता है, आप लोग क्या साल भर परेशान किए और वापस से साल खत्म होते होते भी आप एक गार्बेज दे रहे हो हम लोग को। वेक अप प्लीज, आई एम टोटली हर्ट एज ए बॉलीवुड फैन, आई फील डीपली रिग्रेटेड टू वॉच दिस मूवी। आई डोंट रिकमेंड एनी वन, डोंट वॉच इट एट एनी कॉस्ट, दिस इज माई पर्सनल चॉइस, नो गुड नो बैड फीलिंग्स फॉर एनी वन, ऑल आर गुड एक्टर्स, बट दिस इज नॉट ए फिल्म दैट आई फील टू वॉच और टेल अदर्स टू वॉच, दिस माई पर्सनल व्यू।